नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में टॉप 10 बच्चों को किया गया पुरस्कृत। राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विज्ञान की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभ आरंभ उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सहजबान ब्लॉक प्रमुख पति समाज सेवी विक्रांत यादव व शिक्षक प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके किया। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखिए ये रिपोर्ट। मेरी नजर में दोनों बच्चे बराबर हैं, पर मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा। कहते हैं कि 12 हो गई बेटी की यार इसकी शादी कर, और राजा जी आज मैं पहली बार आज तक 4-5 स्कूल में चला गया जब से प्रमुख बना हूं। बोला आज तक अपने में नहीं किया कभी डीपी विद्यापीठ। तो मैं देखता हूँ ज्यादातर बेटी की हर मोड़ पे, हर स्टेज पे मैं देख रहा हूँ वही सबसे आगे निकलती है। मेरे बच्चे मेरे बेटे बुरा ना माने, दोनों बच्चे बराबर हैं, पर मैं देखता हूँ बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं आजकल, और बेटियां ही आगे बढ़े। जहां से हम आते हैं नोएडा से, आज की राजनीति बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये भाई अगर ऐसी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं कि कल के दिन वो ऐसे चीजें करें, बड़े बूढ़े हमारे ऐसे करें, तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो बच्चों दोनों बच्चे बराबर हो, बस अपनी बेटियों से एक चीज कहूंगा, बेटियां आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, आगे बढ़ चढ़ के पढ़ो लिखो, यही पढ़ाई जो है यही पूरी जिंदगी में काम आनी है। वरना यहाँ लोग में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है, राजनीतिक किसी भी चीज का इंटरव्यू मेरे से क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे से कोई आता है कि मैथ की नौकरी निकली है, जो साइन कर दिया मेरी नौकरी लग जाएगी। मैं उसे क्या समझाऊं यार, ऐसे नहीं लगा करती भाई को क्या समझी। तो कहीं ना कहीं साक्षरता का बहुत बड़ा अभाव है, साक्षरता का बहुत बड़ा अभाव है। तो सच्चाई ये है बच्चों, किसी दिन और टाइम निकाल के अपनी बात और रखूंगा, पर अपनी बेटियों से कहूंगा बेटियां प्लीज आगे बढ़ना है आपको। अगर चाहती हो कि 8वीं 10वीं करके माँ बाप शादी ना करते, तो पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दें। मैं राजन जी ने अभी मैंने पहले यहाँ एक वाटर कूलर करा दिया है, और राजन जी ने मेरे से अभी एक शौचालय की मांग रखी।